सभी को मेरा नमस्कार। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है स्टाफ बेनिफिट फंड। मास्टर सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने 2019 में निकाला था। एसपीएफ के ऊपर एक मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन वो तो प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के दौरान सब्जेक्ट पे थोड़ी सी बात कही गई थी। इसमें काफी सारे सब्जेक्ट थे तो समय की एक लिमिटेशन होने की वजह से मैं एसपीएफ के ऊपर काफी डिटेल में बात नहीं कर पाया। आज मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया एसबीएफ, और कोशिश की है कि इस सब्जेक्ट पे रेलवे बोर्ड ने जितने भी सर्कुलर निकाले हैं उसको एक साथ आज हम बात करें क्या क्या है। और ये सब्जेक्ट जो है एग्जाम पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जनरली जो एग्जाम अभी कई स्टेट का आने वाले हैं, और साथ ही वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जाम पूरे इंडियन रेलवे में होते रहते हैं, तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी ड्यूटी लिस्ट का। एसबीएफ और कई स्टेट में आते ही है, तो मैंने देखा पिछले कई पेपर उन्होंने सोल्व किए हैं तो एसबीएफ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज कोशिश की कि एसबीएफ के सब्जेक्ट के ऊपर पूरा एक कंपाइलेशन जो है हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि अगर आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लेंगे समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से भी आपको एसबीएफ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं ये 30 सितंबर 2019 को निकला था मास्टर शुक्ल। उससे पहले 1990 में निकला था मास्टर शुक्ल नंबर 4 है। नंबर भी आप याद रखिए एग्जाम के पर्पज में। और इन्होंने ये कहा है कि पहले 12 नवंबर 2019 को निकाला था, जिसको अभी दोबारा निकाला हुआ है। पॉइंट टू में कहा है एसबीएफ इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस कंटेन इन स्टेट्यूटरी रूल्स, दैट इज चैप्टर 8 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, यानी IREC 1, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट 1 पार्ट 1 के अंदर जो है, जिसको R1 भी कहते हैं। यहाँ पे R1 मतलब कोड 1 है और R2 का मतलब है IREC वॉल्यूम 2। और ये जो है एसबीएफ स्कीम इज फंक्शन ऑन इंडियन रेलवे सिंस ईयर 1931। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से एसबीएफ स्कीम चालू है, फंक्शन करी रेलवे में, तो 1931 है। IREC पार्ट 1 का मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। मैं ये IREC पार्ट 1 है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड को एसबीएफ को किस चैप्टर में दिखाया है, कौन से मैनुअल में है कि कोड में है तो कौन से वॉल्यूम में है। इस पर किसी तरह का क्वेश्चन आजकल काफी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको सब चीज याद रखनी है। तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में चैप्टर 8 है। और इसके अंदर और जो बात ध्यान रखने की, देखिए यहाँ पे सब एसबीएफ बताया हुआ है चैप्टर 8 में, और इसमें पैरा 801 802, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि 805 में क्या, 807 में क्या, किस पैरा में कौन सी चीज बात आ रही है। जो कमिटी होती है एसबीएफ के अंदर जोनल लेवल पे, वो कौन सी किस पर आती रही है, देखिए 807 बताया हुआ है यहाँ पर। मैनेजमेंट ऑफ द फंड जो हेडक्वार्टर में जो कमिटी फॉर्म होती है, जिसमें पीसीपी वगैरह होते हैं, वो 807 में होती है। डिवीजन लेवल पे जो कमिटी होती है वो आपके 808 में है। वर्कशॉप में 808 1, 808 2 में, ये पैरा में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें काफी सारी बातें जो है वो मास्टर शुक्ल में रिपीट की है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ जो जानकारी देने की जो बात है वो मैंने से ये बताया, ये है आपका 803। नो पार्ट ऑफ दिस फंड शेल बी यूज फॉर बेनिफिट ऑफ एनी गजेटेड रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 5 8051। यानी एसबीएफ जो पैसा है वो जनरली नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए ही लागू होता है, उस पे बेनिफिट जो है गजेटेड ऑफिसर पे खर्चा नहीं किया जाएगा। एक ही एक्सेप्शन दिया हुआ है 805, जिसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर जो है रिक्रिएशन फैसिलिटी एट स्टूडेंट क्लब्स, यहाँ से जो पैसा यहाँ 36 रुपये जो मिलता है, 36 रुपीज उसमें अमाउंट में ऑफिसर्स क्लब में रिक्रिएशन में यूज किया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसके अलावा कहीं भी गजिस्टेड ऑफिसर को ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ये बात है। ये पैरा 803 है। अब हम मास्टर सर्कुलर पर हम आते हैं। यहाँ पर द फंड, इसमें कहा गया है कि जो फंड है वो कई वेलफेयर एक्टिविटीज पे खर्च होता है, रेलवे सर्वेंट पे खर्च होता है, और कहाँ कहाँ खर्च होता है बताया हुआ है, लेकिन रेलवे एम्प्लॉय और उनके एलिजिबल जो फैमिली मेंबर उस पर हम खर्च करेंगे। पहला है एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल पब्लिक प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर वार्ड ऑफ द रेलवे सर्वेंट, स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट, और ये मेल चिल्ड्रन। इसमें आप देखिए कि पहला वाला पॉइंट लगभग लगभग आपको ये और ये सेम दिख रहा है, लेकिन ये गर्ल चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये मेल चिल्ड्रन की बात हो रही है, और ये जो है सभी बच्चों की बात हो रही है। आगे हम देखेंगे तो ये बता जाएगा कि ये 2 और जो 3 है वो GP 24 एंड बिलो वालों के लिए है, और ये जो है नंबर 1 है जो एम्प्लॉय है जो ग्रेड पे 2400+ एंड अबव के लिए है। तो ये भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। और कहाँ का खर्चा होता है, वुमेन एम्पावरमेंट
एक्टिविटीज, रिक्रेशन एंड अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रिक्रेशन फैसिलिटीज, स्टूडेंट क्लब्स, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस सिकनेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज, इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी, इमीडिएट रिलीफ इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ फ्लड, फैमिलीज, लैंडस्लाइड, फायर एंड अदर कैलामिटी, डेवलपमेंट ऑक्यूमेशन स्किल ऑफ दोज रेलवे सर्वेंट हु आर कवर्ड अंडर राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अवार्ड्स एंड मिशनरीज। इसको मैं हिंदी में भी आपको बताना चाहूंगा ताकि जो लोग हिंदी वाले हैं वो भी समझ लें। शिक्षा का मैं जो है 1, 2, 3 शिक्षा के ऊपर है, छात्रवृत्ति के ऊपर है, चौथा आपका महिला सशक्तिकरण गतिविधियां हैं, खेलकूद के अलावा मनोरंजन गतिविधियां हैं, संस्थान है, क्लबों में मनोरंजन संबंधी सुविधाएं हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में संवर्धन, विपत्ति बीमारी में सहायता, खेलकूद गतिविधियां, स्काउट गाइड गतिविधियां, दवाइयों में स्वदेशी प्रणाली जिसमें होम्योपैथी शामिल, उसमें बढ़ावा देना है आपको, बाढ़ अकाल भूस्खलन आग या अन्य किसी प्रकार की आपदा से उत्पन्न संकट काल में तत्काल सहायता, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले जेल कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए व्यावसायिक कौशल विकास एंड मिसलेनियस का बताया हुआ इसमें। अब इसमें आता है कि इसमें जो फंड जो आता है एसबीओ का जो पैसा एम्प्लॉय के ऊपर या मिसलेनियस एक्टिविटीज में जो खर्च किया जाता है तो एसबीओ में फंड कहाँ से आता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एसबीओ इस क्रेडिट फंड जो है आने का पहला जो सोर्स है वो एनुअल ग्रांट ऑन द 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यू एज पर कैपिटा बेसिस ऑन द सेंक्शन स्टैंड नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी एज ऑन 31 मार्च एक्सक्लूडिंग पोस्ट चार्ज टू कैपिटल ऑन ईच रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ नॉन रजिस्टर्ड रेलवे सर्वेंट आल्सो इंक्लूड सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ आरपीएफ नॉन रजिस्टर्ड। 1 तारीख को किसी भी जोनल रेलवे में 1 तारीख को जितने भी नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं परमानेंट और टेम्पररी जिसमें आरपीएफ भी शामिल है नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ उसमें जितना कैडर है उसके हिसाब से सेंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब कैडर होता है एमओन या मेन रोल होता है। सेंक्शन स्ट्रेंथ जो कैडर है उसके हिसाब से पर कैपिटा 800 रुपये का अनुदान जाएगा। 800 रुपये यहाँ लिखा नहीं है, नीचे आपको मिल जाएगा 800 रुपये, यहाँ लिखा हुआ 800 रुपये 4 नंबर में। तो पर कैपिटा मान लीजिए वेस्टर्न रेलवे का कैडर शायद लगभग लगभग मैं समझता हूँ 85 या 1 लाख मान लेते हैं अगर कैडर है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 800 रुपये हो जाएगा अगर आपका कैडर जो है जोनल का, तो उसके हिसाब से पर कैपिटा 800 रुपये मिलता है। इसके बाद कहा है कि जुर्माने आर रिसिप्ट ऑफ फाइन्स जुर्माने से प्राप्त जितनी भी राशियां वो मिल जाएगी। 50% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेस्पेक्टिव रेलवे ऑन ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। इसको मैं हिंदी में बताऊं आपको, गत वर्ष के दौरान रेलवे कर्मचारी के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के अनुदान पर संबंधित रेलवे द्वारा किए गए व्यय का 50%, यानी पिछले साल जो खर्चा किया है तकनीकी छात्रवृत्ति देने में जो भी टोटल लमसम खर्चा हुआ है बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी है स्टाइपेंड दिया हुआ है उसका 50% वापस में ऐड करेंगे। ये नया ऐड हुआ पहले नहीं था। और उसके बाद है कि लास्ट 3 ईयर्स के जो अनपेड वेजेस हैं जो जिसका कोई क्लेम नहीं हुआ है उसको भी एसबीएफ में डाला जाएगा। 3 वर्ष से अधिक मजदूरी का गया है फॉर कैलकुलेट पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट टेक इनटू अकाउंट द परमानेंट टेम्पररी रेलवे सर्वेंट ऑफ ओपन लाइन ऑन ट्रांसफर डेपुटेशन टू रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट एंड को। जो रेलवे कर्मचारी जो है ऑलरेडी डेपुटेशन में काम कर रहे हैं जिनका ट्रांसफर हो गया डेपुटेशन पे या इलेक्ट्रिशियन आरई में काम कर रहे हैं कॉफ में भी काम कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है पर कैपिटा में, ये कहा गया है। चौथे में कहा गया है द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन द एसबीओ इज रिगार्ड टू वेरियस एक्टिविटीज रेफर टू पैरा टू अबव 800। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पर कैपिटा जो देना है वो 800 रुपये है। वो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि कितना रुपए पर कैपिटा दिया जाता है, 800 रुपये दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया था आपको स्कॉलरशिप एजुकेशन के ग्रांट पे ये आप दे सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर वार्ड ऑफ नॉन रजिस्टर्ड रेलवे सर्वेंट इन ग्रेड पेन अबव 2400 जीपी वाला ये मामला आता है। और ये पहले जो रूल पुराना रूल था ये 2400 से लेके 42 जीपी तक था जिसको हटा के उन्होंने 24 एंड सभी ग्रेड पे के जीपी के एम्प्लॉय यानी लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 जो भी एम्प्लॉय है उन सब के लिए आ गया है। ये 24 एंड अबव है और बाकी जो नंबर 2 और 3 में आया स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल पब्लिक प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन फॉर रेलवे सर्वेंट ग्रेड पे अप टू 24 रुपीज पर मंथ, यानी 24
100 से बिलो वालों के लिए नंबर 2 आता है, और नंबर 3 मेल चाइल्ड के लिए आता है, और नंबर 1 जो है 2400 के अबव वालों के लिए आता है। ये अबव 24 के लिए नहीं है, 24 से अबव जो होता है हमारा लेवल 5 एंड अबव है इसमें। तो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए, टेक्निकल जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए आपका पहला जो 3 है वो उसके भी आता है। चौथा है वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज, महिला सशक्तिकरण गतिविधियां आती है जिसमें इंक्लूडिंग सेमिनार करना है, कैंप्स करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जेंडर सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, गिविंग सपोर्ट टू कैशेस अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, रेलवे सर्वेंट एंड अदर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द रेलवे। यानी जो महिलाओं के लिए, कई बार जो काम कर महिला होते हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल से छोटे छोटे बच्चे, उनकी क्रेश की जो बनाया जाता है, क्रेश की स्थापना की जाती है, उसमें भी खर्चा इसी में से किया जाता है। रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स, मनोरंजन गतिविधियां, स्पोर्ट्स के अतिरिक्त जो मनोरंजन गतिविधियां हैं इसमें लिखा हुआ है रिक्रिएशन फैसिलिटीज, परचेज ऑफ जिम इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज वार्ड हॉलीडे। इसमें एक बात बताना रह गया मेरे को, पर कैपिटा का इन्होंने डिवाइड किया 800 रुपये में से 116 रुपये दिखाया हुआ है, जो 100 से अबव जो रेल एम्प्लॉय है उनके बच्चों के लिए 116 रुपये का लोकेशन है 800 रुपये में से, और बाकी गर्ल चाइल्ड के मामले में 110 का है, और मेल चाइल्ड के ऊपर 100 रुपये का पर कैपिटा दिया हुआ है, जो 800 रुपये में जो हिस्सा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अटेस्ट में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किसके लिए, और याद नहीं होता थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स फैसिलिटी में पहले 32 रुपये था, मैं आपको बता दूं, एक तो जानकारी दे दूं आपको, ये जो सर्कुलर है 2019 का है, और 19 के बाद रेलवे बोर्ड ने जो निकाला है अमेंडमेंट निकाला है 2022 में 157/22, इसमें इन्होंने अमाउंट थोड़े चेंज कर दिए हैं, तो ये मैंने कोशिश किया है इसी के अंदर, ये नया ऐड उन्होंने किया है 14 नंबर में, नया ऐड के पहले 14 ही था इसके अंदर, तो ये मैंने कोशिश किया इसके अंदर डालने के लिए इसमें, ताकि आपको पीछे में कंफ्यूजन ना हो। तो रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स में पहले 32 था, जो कि अभी 2022 से 25 रुपये हो गया है, और रिक्रिएशन फैसिलिटीज एट इंस्टीट्यूट एंड क्लब्स ये 36 रुपये रखा, 36 रुपीज रखा हुआ है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज 16 रुपीज है। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम इन द रेजिडेंशियल कॉलोनीज डिविजन एंड स्कूल एंड परचेज मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए 16 रुपये मिलेगा 800 रुपये में से। रिलीफ एंड डिस्ट्रेस सिकनेस एक्सेट्रा फॉर स्टाफ इन ग्रेड पे अप टू 46 था पहले, ये 2019 में इसको रिवाइज किया आरबी नंबर 129 में 23 से, कि रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस सिकनेस ऑफ ऑल नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय के लिए, पहले अप टू 46 था। तो एग्जाम में कुछ भी आजकल टू फास्ट में पूछा जाता है, इसलिए आपको अपडेट होना चाहिए नॉलेज के ऊपर। और ये इसमें अमाउंट जो था पर कैपिटा 120 का 110 कर दिया, 10 रुपये कम कर दिया है, जो लास्ट का 15 एड किया उसमें डाला हुआ उन्होंने। उसमें कहा गया है टू ग्रांट हायर अमाउंट ऑफ रिलीफ टू रेलवे सर्वेंट नीड ऑफ सच इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रेलवे सर्वेंट इन एक्सीडेंट्स एंड फॉर रेलवे सर्वेंट हु आर लॉन्ग सिक इन हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग पीरियड आर ऑन लीव विदाउट पे। तो कई बार कर्मचारी जो होते हैं वो एक्सीडेंट हो गया उनका, या कुछ बीमारी चल रही है जिसकी वजह से उनके पास छुट्टियां, उनके बैलेंस नहीं है उनके अकाउंट में, एलएपी एचएलपी नहीं है उनको, तो ऐसे मामले अगर वो विदाउट पे ईओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो ले रहे हैं, अगर ईओएल के ऊपर हैं वो, यहाँ एलडब्ल्यू लिखा हुआ है लेकिन हमारा ऑफिशियल जो है ईओएल बोलते हैं उसको, तो ईओएल पर अगर हैं उनके पास एलएपी एचएलपी बैलेंस नहीं है अगर, तो फिर उनको जो है इस एसबीओ से पर मंथ हर जगह डिवाइड करते हैं, यहाँ शायद वेस्टर्न में शायद 10,000 रुपये है, बाकी हर जगह अलग अलग है, वो सीएसबी कमेटी डिसाइड करती है कितना देना है, तो वो इस हेड से उनको, उन रेलवे कर्मचारियों को जिनके पास एलएपी एचएलपी नहीं है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। इसके साथ ही फ्यूनरल चार्जेस फॉर डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट टू बी गिवन 10,000 इन ईच केस। इसके अलावा कोई रेलवे कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो एक फ्यूनरल एडवांस होता है जो हम बाद में हम रिकवरी करते हैं, वो शायद 25,000 रुपये है, लेकिन एसबीएफ से जो मिलता है वो 10,000 रुपये भी मिलता है फ्यूनरल चार्ज के रूप में, ये एग्जाम में पूछा जाता है भी आपको। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में 30 रुपये पर कैपिटा दिया जाता है, एनकरेजिंग स्पोर्ट्स बाय गिविंग लेटेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट एंड क्लब के लिए आता है। स्काउट एंड गाइड एक्टिविटी के लिए 22 रुपये, ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी एट ऑल, ट्रेनिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए 22 रुपये पर कैपिटा इसमें। इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी, इसकी मैं हिंदी में जरा आपको सबको बता दूँ क्या क्या है इसमें। संस्थानों क्लब में मनोरंजन के लिए आपका आगे 36 रुपये, सांस्कृतिक गतिविधि तो संवर्धन आगे आपका, खेलकूद गतिविधियां बता चुका हूँ, स्काउट गाइड बता चुका हूँ मैं आपको, होम्योपैथी सहित दवाइयों की स्वदेशी प्रणाली को विकसित करना है,
और भूखमरी, बाढ़, भूखमरी, भूस्खलन, आग अथवा अन्य किसी आपदा के कारण उत्पन्न संकट के समय तत्काल राहत, ये आपका हिंदी शुद्ध हिंदी हो जाएगा आप बात करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा डेवलपिंग ऑक्यूपेशनल स्किल दोज सिविल सर्वेंट हु आर कवर्ड अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड देयर वार्ड इंक्लूडिंग परचेज ऑफ व्हील चेयर, अदर एड्स, स्पेशल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप सेमिनार कैंप्स। असिस्टेंट टू रेलवे सर्वेंट वार्ड इन नीड ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, अगर कर्मचारी में बच्चों को स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए तो ऐसे मामले में भी ₹50 का कैपिटल पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ इसमें, और मिसलेनियस एक्टिविटीज जो है उसके लिए ₹80 रखा हुआ है 800 रुपये से, जिसके लिए लिखा हुआ है मिसलेनियस में सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन हॉलीडे होम्स। हॉलीडे होम में जो आजकल काफी डेवलपमेंट हो रहा है, एसी भी लगाए जा रहे हैं और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, हो गया रेस्ट हाउस, एंटरटेनमेंट होगा, इंफॉर्मेशन फैसिलिटी मतलब कलर टीवी दे रहे हैं हम आपको, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मेंटेनेंस ऑफ फंड फॉर रिकरिंग एक्सपेंस ऑन सच फैसिलिटी। तो मिसलेनियस जो होगा वो जनरली हॉलीडे होम और रेस्ट हाउस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और जो वहाँ पे फैसिलिटी दी है उसको बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। ये 2019 में टोटल 14 पॉइंट थे, जिसको अभी 2022 में ये मैंने बताया 15 पॉइंट एड किया है, तो उसको मैंने यही लिख दिया आपको 15 नंबर के पॉइंट में, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉई। इसका जो रीजन बताया इसके लिए कि एडुकेट काउंसलिंग एंड अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल थ्रू मेडिटेशन, योगा, लाइफ एंड स्टाइल चेंजेस, ये आपको बताया हुआ है कि हिंदी में आपको देखना चाहे कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना है, ध्यान, योग, जीवन शैली आदि में परिवर्तन करके तनाव के स्तर को कम करने के लिए उचित परामर्श और वैकल्पिक तरीके। ये टोटल ₹800 का उन्होंने बायफिशन किया, इसके ऊपर हम करेंगे। एसबीएफ से छुट्टी जुड़ी और जो तथ्य है जो इम्पोर्टेंट बता दूं आपको, नंबर 2 रहेगा फॉर कैश अवार्ड स्कीम हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर एसबीएफ। 2015 से जो आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में आउटस्टैंडिंग जो बच्चे होते हैं रेलवे कर्मचारी को, उनको बढ़ावा देने के लिए कैश अवार्ड की स्कीम की घोषणा की है। ए में लिखा हुआ है कैश अवार्ड फॉर वार्ड्स ऑफ रेलवे सर्वेंट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एकेडमिक, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कैश अवार्ड की बात की है। और बी में है अगर स्पोर्ट्स के मामले में अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बच्चा ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह जाता है तो उसमें भी देने की बात की है, जिसको एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 की बात की है। तो इस मास्टर सर्कुलर में तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने अलग से ढूंढा, ये आपका 2015 का सर्कुलर, इसमें ये इसमें एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 मुझे दिखा है यहाँ पर। कैश अवार्ड फॉर वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एकेडमिक फॉर एसबीएफ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बच्चे का है। इसमें जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताई है वो ये है कि इस स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ओनली द वार्ड्स ऑफ परमानेंट रेलवे एम्प्लॉइज हु आर एलिजिबल, जो एम्प्लॉई एलिजिबल है एसबीएफ के रूल के तहत उन्हीं के बच्चों को मिलेगा। और ये बच्चे जो होंगे 6th स्टैंडर्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ाई खत्म कर चुके हैं उनके लिए नहीं लागू होगा, जो पढ़ाई कर रहे होंगे उन्हीं के लिए उन्हीं को मिलेगा। तो पैरामीटर ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ सच स्कॉलरशिप एंड कैश अमाउंट आर टू बी डिसाइड बाय रेस्पेक्टिव जर्नल। तो जर्नल जो कमिटी होगी सीएसबीएफ कमिटी, वो डिसाइड करेगी क्या क्राइटेरिया, क्या पैरामीटर है, क्या कितना अमाउंट देना है, वो डिसाइड करेगी। और ये स्कीम 2015-16 से लागू हुई है। अमाउंट ऑफ कैश जो है आपको अकाउंट पे चेक देना है, और अगर बच्चे में अगर सिलेक्शन करना है तो गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना है, और अगर आप बॉयज ज्यादा है और गर्ल भी ज्यादा है तो फिर आपको जो एज के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है कि जो ज्यादा एज का होगा उसको देना है। किसी मामले डिस्प्यूट होने पर एसबीआई कमेटी डिसीजन लेगा, ये एप्लीकेशन परफॉर्मर दिया हुआ है यहाँ पे, एकेडमिक का है ये। उसके बाद ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स से जो स्कूल में पढ़ रहा है वहां से। उसके बाद ये दिया है स्पोर्ट्स के अंदर कैश अवार्ड फॉर वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का इसके अंदर जो फंडिंग होगा वो द स्कीम विल बी फाइनेंस अंडर द हेडिंग स्पोर्ट्स का, जो हमारा जो कॉलम है हेडिंग है उसके अंदर से इसको फाइनेंस किया जाएगा। इसमें वही एलिजिबल एम्प्लॉय जो होगा एसबीओ के लिए उसी बच्चों को मिलेगा। और ये कहा गया है कि द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द वार्ड ऑफ एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पास रूल, जो बच्चे जो पास रूल के अंदर गवर्न होंगे, जो एलिजिबल होंगे और जो पढ़ रहे होंगे अप टू ग्रेजुएशन, यानी जो पास रूल से बाहर निकल गए होंगे, जैसे बच्चे मैरिड हो गए हैं, शादी हो गई है या पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, अभी पास रूल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर उन पर लागू नहीं होगा।
और एज पर दिस स्कीम कैश अवार्ड विल बी गिवन टू एलिजिबल वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज फॉर देयर मेरिटस परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करने के लिए इसको मिलेगा। और इन दिस कनेक्शन सम अमाउंट हैव बीन सजेस्टेड एज पर एनेक्स। एनेक्सर में कुछ अमाउंट सजेस्ट किया है सरकार ने नीचे लास्ट में, ये कुछ अमाउंट सजेस्ट किया है यहाँ पर। हाउएवर द कंसर्न रेलवे यूनिट सीएसबी कमिटी में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैश अमाउंट इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द जनरल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन कीप इन व्यू ऑफ द कैटेगरी ऑफ इवेंट एज पर द एनेक्सर। तो इसको चाहे तो जनरल रेलवे में अमाउंट को कम किया जा सकता बताया हुआ इसमें। ये स्कीम भी 15-16 से ही लागू होगी। तो ये कुछ बातें हैं मैंने कोशिश की बताने की कि इसमें ये परफॉर्मर दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है, और ये जहां से स्पोर्ट्स का उसने अचीवमेंट लिया हुआ है, शील्ड प्राप्त की, वहां का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है उसके अंदर। ये कुछ अमाउंट निकाले हुए कैश अवार्ड स्कीम फॉर मेरिटस अवार्ड वार्ड वार्ड ऑफ रेलवे पर्सन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और पार्टिसिपेशन में भी अमाउंट दिया हुआ है। अलग अलग लेवल के ये चैंपियनशिप बताई हुई इसके अंदर, इसमें अमाउंट फिक्स किया है। और जनरल रेलवे चाहे तो अपने हिसाब से इसको कम कर सकती है और ये और नया भी कोई ऐड कर सकती है जो भी है। तो ये एक मैंने कोशिश की है कि एनेक्सर वन और एनेक्सर टू के बारे में कुछ बात की जाए। SBI कमिटी ऑन द रेलवे हैव बीन एम्पावर्ड टू इंक्लूजन फॉर डिग्री कोर्सेज। तो डिग्री कोर्सेज को भी इंक्लूजन किया हुआ है, करने के लिए एम्पावर किया हुआ है इसको CSBF कमिटी को। विथ रिगार्ड टू आइटम 4.1.2.3 बिसाइड एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिगार्डिंग रीअप्रोप्रिएशन द CSBI कमिटी शेल हैव पावर्स टू रीअप्रोप्रिएट फंड बिटवीन 4.2 एंड 4.3 डिपेंडिंग अपॉन डिमांड्स। द प्रेफरेंस हैवर विल बी गिवन टू गर्ल चिल्ड्रन। इसमें 4.2.3 का मतलब ये होता है कि जो हमारा 4.1.4 ये है, 4.1.2.3 यानी ये जो एजुकेशन 1, 2 और 3 है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो एलोकेशन दिया है यहाँ पर 116, 110, 100 रुपीज, इसमें आप अगर फंड है तो यहाँ का पैसा इधर शिफ्ट करने के बारे में बात किया कि इसका पैसा यूज करके आपने यहाँ खर्च कर दिया, ये कहा गया। तो आपस में ये रीप्रोपोशन कर सकते हैं। साथ में 2 और 3, 2 और 3 में भी रीप्रोपोशन की बात कही है इसके अंदर, ये कहा गया है आपको इसके अंदर ये वाला। और 2 और 3 में भी आपको कैसा डिमांड के हिसाब से करता है, लेकिन गर्ल चिल्ड्रन को आपको प्रिफरेंस देना है। 2 में ज्यादा लेके आ सकते हैं अमाउंट को, 2 जो है हमारे गर्ल चिल्ड्रन के लिए है। जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 के अंदर पहले 2400 GP से अप टू 42 था, इसको हटा दिया बताया है। अभी ऑल नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय लेके आ गया है। और इसके अंदर जो 46 था वो मैंने बता दिया है कि रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस सिकनेस जो था हमारा 4-8, उसके अंदर भी अभी ऑल नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ कर दिया है। और जो जिनके जो लॉन्ग सिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में जो लोग काम कर रहे थे उनके देने के लिए उनके इसमें भी ऑल नॉन रजिस्टर्ड कर दिया है। द अमाउंट एट 4.11 अबव शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली ऑन प्रमोशन ऑफ इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो हमारा 4.11 है, ये 4.11 इसमें जो अमाउंट है ये 36 रुपए, ये इसी के लिए ही खर्च किया जाना, ये कहा गया है इसमें। नो कैरी फॉरवर्ड विल बी अलाउड अगेंस्ट दिस आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस। इसको कैरी फॉरवर्ड अगले साल में नहीं जाएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये कहा गया आपका। री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में कहा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि CSBI कमिटी फंक्शनिंग इन द वेरियस जोनल रेलवे हैव बीन एम्पावर्ड टू री अप्रोप्रिएट फंड नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द अमाउंट अमंगस्ट डिफरेंट हेड्स। जो हेड्स में बताए थे 4.1 से लेकर 15 तक, उसमें रीअप्रोप्रिएशन आपस में एक दूसरे के हेड में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 25%, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उसमें भी एग्जम्पशन दिया हुआ है कि एक्सेप्ट एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड स्काउट गतिविधियों में अलाउ नहीं है रीअप्रोप्रिएशन। हालांकि एजुकेशन के अंदर में, एजुकेशन के अंदर जो 1, 2, 3 है उसके अंदर आप कर सकते हो, वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन एजुकेशन से अमाउंट पैसा बाहर जाके किसी और फंड में यूज नहीं कर सकते, एजुकेशन के अंदर 1, 2, 3 में आप कर सकते हो। और रीप्रिपरेशन जो है मैक्सिमम 25% होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और किस में नहीं होगा ये भी पूछा जाता है, एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड स्काउट एक्टिविटी में नहीं होगा। CSBF जो है ऑफ द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट हैव एम्पावर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ डिग्री कोर्सेज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये डिग्री कोर्सेज इंक्लूडिंग PG जो है टेक्निकल, उसको MBA MCA के इक्विवेलेंट मानना है। साथ में जो मेडिकल की जो आपकी जो सर्विसेज हैं
इक्वल मान के उसके भी उस पर भी स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। 7 नंबर का गया, सिंस इवन द प्लेसमेंट ऑफ हायर ग्रेड पे अंडर एमएसपी स्कीम द रेलवे सर्वेंट कंटिन्यू टू रिटेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हिज बेसिक पोस्ट सच स्टाफ कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर दोस बेनिफिट अंडर एमएसपी। यानी कि जैसे कहा गया है कि अप टू GP 24 जो एम्प्लॉई है उनके बच्चे लड़कियों को लड़कों लड़कों को स्कॉलरशिप दिया था, लेकिन किसी वजह से जो 24 में काम कर रहे हैं उनको 28 GP या लेवल 5 एमएससीबी मिल गया है, तो उसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है कि हालांकि एमएससीबी मिल गया है लेकिन उनको बेनिफिट जो है उसी में 2 और 3 का जो था हमारा गर्ल और मेल चाइल्ड का उसके अंदर मिलेगा, तो एमएससीबी को नहीं माना जाएगा और आपका जो बेसिक जो है सब्सटेंटिव जो पे है आपका लेवल है आपका 24 या लेवल 4 वही आपके हिसाब से आपको बेनिफिट मिला दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। द रेलवे प्रोटेक्शन यूनिट हैव बीन एडवाइज टू इंश्योर दैट, कहा गया है कि आरपीओ स्ट्रेंथ इज टू टेकन अकाउंट फॉर ड्राइविंग कंट्रीब्यूशन टू एसबीएफ। एसबीएफ में जो पैसा हम क्रेडिट करते हैं जो कैडर स्ट्रेंथ होती है 31 मार्च को, उसमें आरपीएफ को अकाउंट करने के बताया गया है और ये कहा गया है आरपीएफ को भी सारे बेनिफिट देने हैं जो एसबीएफ में अन्य कर्मचारी को दिए जाते हैं, वो आरपीएफ पर्सनल के उनके परिवार को भी सारे बेनिफिट देने की बात कही गई है इसके अंदर 8वें में। अब यह आया ग्रांट अवेलेबल अंडर एसबीएफ फ्रॉम द हेड ऑफ एक्टिविटी सीरियल नंबर 46 दैट इज फॉर रिक्रिएशन फैसिलिटी एट इंस्टीट्यूट एंड क्लब कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑफिसर्स क्लब एज वेल। तो मैंने आपको जैसे बताया था 6 नंबर का पैरा जो बताया था आपका 803 पैरा है अपना चैप्टर 8 के अंदर कि नॉर्मली एसबीएफ का पैसा है वो स्टेट एम्प्लॉय को या उनके बच्चों के लिए नहीं होगा, लेकिन रिक्रिएशन फैसिलिटी के अंदर ऑफिसर्स क्लब के मामले में वो पैसा यूज किया जा सकता है, ये 9 नंबर का पैरा बताया हुआ है। It has been decided that booking of special coaches for holiday camps organized by railway administration under the SBF, no security deposit shall be levied. इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ तो आपको इजी रहेगा समझाने के लिए। कि हॉलीडे कैंप के लिए जो विशेष सवारी डब्बे की बुकिंग की जाती है एसबी, जैसे आपको मालूम एसबीएफ कैंप जाता है, मेल कैंप जाता है, फीमेल कैंप जाता है, बच्चों कैंप जाता है, तो उसके लिए कहा गया है कि कोई भी प्रतिभूति जमा राशि वसूल नहीं की जाएगी, इसके अलावा जो ट्रेन का है उसका कोई किराया, सेवा प्रभाव, विकास प्रभाव, सुपरफास्ट प्रभाव, रुकोनी डिटेंशन जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लिया जाएगा, इसके लिए कोई एम्प्टी हॉलेज प्रभाव भी नहीं जाएगा। यानी कि लगभग लगभग जो कोच होगा आपको फ्री में ही लगेगा उसके अंदर, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो कैंप में जो कोच बुक होते हैं जनरली 3 AC कोच बुक होता है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, ये कहा गया एसबीएफ कैंप के मामले। अब आता है मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसबीएफ की जो कमेटी होती है उसको कौन चेयरमैन होते हैं, कौन मेंबर्स होते हैं। इसमें कहा गया कि द फंड शैल बी मैनेज बाय कमेटी, जो हेडक्वार्टर में जो कमेटी होगी वो मैनेज करेगी एज ए सीएसबीएफ होगा, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो चेयरमैन होंगे जो सीपीओ होंगे, और बिसाइड चेयरमैन चेयरमैन के अलावा जो बाकी सदस्य होंगे वो सीपीओ, सीएमडी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, वेलफेयर ऑफिसर टू बी नॉमिनेटेड बाय जनरल मैनेजर, एक वेलफेयर अधिकारी होंगे, कार्मिक अधिकारी जो होंगे वो होंगे, जीएम द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, जो सेक्रेटरी का काम करेंगे। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्रेटरी कौन होते हैं एसबीएफ कमेटी में, तो ये होगा एसपीओ या डिप्टी सीपीओ वेलफेयर जो भी होते हैं वो होंगे उसके अंदर आते हैं। 6 मेंबर फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिट टू बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द रिकॉग्नाइज यूनियन। ये कई बार कन्फ्यूज होता है कि रिकॉग्नाइज यूनियन के कितने कितने मेंबर होते हैं, 3 3 मेंबर 6 मेंबर है जो इक्वली डिवाइड करना है, यानी जनरली हमारे यहाँ 2 ही मेंबर है वेस्टर्न रेलवे की बात अगर मैं करूं, बाकी रेल में आपको देखना पड़ेगा कितना है, अगर आपके 2 हैं तो 3 दिन होंगे, अगर 1 ही है तो 6 को मिल जाएगा आपको। तो रिकॉग्नाइज यूनियन के जो है वेस्टर्न के हिसाब से तो 2 3 3 मेंबर्स उसमें शामिल होंगे सीएसबीएफ में, और इसके अलावा 1 1 रिप्रेजेंटेशन जो होंगे SC ST एसोसिएशन और जो OBC एसोसिएशन है उनके 1 1 जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सीएसबीएफ कमेटी का मेंबर होगा, तो ये आपका बताया हुआ है। इसके अलावा 12 नंबर कहा गया है कि देर शेल बी ए डिविजनल स्टाफ बेनिफिट कमेटी, DSBO भी और CSBF के साथ साथ DSBO भी होगा, और इस हर डिवीजन में जिसको चेयरमैन जो विच शेल बी प्रिसाइड ओवर बाय द डिविजनल पर्सन ऑफिसर, यहाँ जो चेयरमैन होंगे वो डिविजनल पर्सन ऑफिसर, अगर इंचार्ज में DPO तो DPO होंगे, अगर सीनियर DPO तो सीनियर DPO रहेंगे। बिसाइड चेयरमैन बाकी जो मेंबर होंगे DSBF के, 1 ऑफिसर टू बी नॉमिनेट बाय द डिविजनल मैनेजर, तो दूसरे एक अधिकारी होंगे जो DRM नॉमिनेट करेंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ईच रिकॉग्नाइज यूनियन, यहाँ बताया हुआ है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव ईच के साथ होंगे, यानी 2 यूनियन है दोनों से 2 2 होंगे टोटल 4 हो जाएंगे यूनियन के, वेलफेयर इंस्पेक्टर नॉमिनेट बाय द DRM,
वो शेल एक्ट एज ए सेक्रेटरी, यानी डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड का जो सेक्रेटरी होगा वो वेलफेयर इंस्पेक्टर होगा, और सीएसबीएफ के जो सेक्रेटरी होंगे वो जो है पर्सनल ऑफिसर होंगे, जो सीनियर स्केल या जे ग्रेड हो सकते हैं। इसके अलावा एसएससी और ओबीसी एसोसिएशन से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो डिवीजन में और हेडक्वार्टर में दोनों में एसएससी का एक होता है और ओबीसी का एक होता है, और यूनियन के चेंज होते हैं, यूनियन के हेडक्वार्टर में आपके 3 दिन हो जाते हैं और डिवीजन में दो दो जो प्रतिनिधि होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा ईच वर्कशॉप विल आल्सो हैव अ वर्कशॉप स्टाफ बेनिफिट कमेटी, यानी वर्कशॉप में भी आपको एसबीएफ कमेटी बनानी है, जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी बींग द सेम सिमिलर एज इसके अबव, तो कमेटी भी सेम ऐसे होंगे जैसे ऊपर बताया गया हुआ है। इसके अलावा 13.1 में क्या है, इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द डिसीजन ऑफ डिवीजन ऑब्लिक वर्कशॉप सब कमेटी, द मैटर शैल बी रेफर टू डीआरएम ऑब्लिक डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर इंचार्ज ऑफ द वर्कशॉप, यानी सीएसबीएफ कमेटी डिविजनल में जो एसबीएफ कमेटी होती है, वर्कशॉप में जो कमेटी होती है, वहां किसी मामले में कोई मतभेद होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो मामले डीआरएम ये डिप्टी सीएमई अगर है इंचार्ज जे ग्रेड है, या अगर एसएसजी है तो सीडल होंगे वहां पे इंचार्ज वर्कशॉप के, तो उनके पास मामला रेफर किया जाएगा और फिर उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा सीएसबीएफ के अंदर, सॉरी एसबीएफ या वर्कशॉप की जो कमेटी होगी उसके अंदर। 13.2 में कहा गया है कि द डिविजनल वर्कशॉप स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी शेल हैव पावर्स टू अलॉट फंड फॉर द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दिस रूल विद इन द रूल्स एंड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेडक्वार्टर कमेटी, तो डिविजनल एसबीएफ कमेटी या वर्कशॉप एसबीएफ की कमेटी जो होती है उनके पास भी कुछ फंड अलॉट करने का, अगर हेडक्वार्टर ने दिया है तो वो भी कुछ फंड अलॉट कर सकती है सर्टेन मामले में जो भी नियमों के दायरे में होगा। सिमिलर कमेटी में आल्सो बी फॉर्म बाय द प्रोडक्शन यूनिट मेट्रो रेलवे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्कॉफमा, डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी या वर्कशॉप स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी की तरह जो है प्रोडक्शन यूनिट मेट्रो रेलवे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और कॉफमा में भी सिमिलर कमेटी बनाई जा सकती है, और मेंबर्स टू द स्टाफ एसबीएफ कमेटी शुड बी इलेक्टेड इन ए मैनर कंसिडर्ड सुटेबल बाय द जनरल, तो जो मेंबर होंगे कमेटी के वो जैसा जीएम के अनुसार जैसा ठीक समझेंगे वैसा इलेक्ट किया जाएंगे, चुने जाएंगे। द मेंबर ऑफ सीएसबीएफ एंड डीएसबी कमेटी होल्ड शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अनलेस ही इज रिमूव्ड बाय द जीएम और रिजाइन हिमसेल्फ, तो जो मेंबर होंगे सीएसबीएफ के और एसबीएफ के जो उसमें वो 1 साल के लिए चुने जाएंगे जब तक इनको जीएम हटा देते हैं या रिजाइन नहीं कर लेते हैं, तो ये भी एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो कितने टाइम तक वो उसमें रह सकते हैं, 1 साल का पीरियड जनरली होता है। एंड ही इज हाउएवर एलिजिबल फॉर री नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन इफ द चेयरमैन डिसएग्री विद द मेजोरिटी ऑफ द कमिटी एज रिगार्ड, अगर चेयरमैन है वो किसी प्रकार निम्नलिखित जो मामले उसमें अगर डिसएग्री करता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड, वेदर द ग्रांट कम्स विद इन द ऑब्जेक्ट मेंशन इन रूल आर रूल 802 R1, वेदर इट कंफ्लिक्ट विद द रिकॉग्नाइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और हुज और द रेलवे, ही शी शेल रेफर द मैटर टू जनरल मेजर हुज डिसीजन इन द मैटर शेल बी फाइनल। इसको मैं हिंदी में ज्यादा समझा देता हूँ आपको, यदि अध्यक्ष निम्नलिखित के संबंध में समिति के बहुमत से असहमत है, अध्यक्ष कौन है आपके हेडक्वार्टर में सीएसबीएफ में जो है आपके सीपीओ होंगे और डिवीजन में जो होंगे सीनियर डीपीओ डीपीओ होंगे, अगर वह निम्नलिखित के मामले में असहमत है, जैसे निधि के व्यय का वित्तीय औचित्य है, अनुदान क्या जो नियम के अनुसार बराबर है उद्देश्यों के हिसाब से है, क्या ये सरकार या रेलवे की मान्यता प्राप्त नीतियों से भिन्न है, यदि उनको डाउट है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बराबर है नहीं, तो ऐसे मामले में महाप्रबंधक जो है जीएम सबको भेज सकते हैं, वो डाउट है जिनका नियम इसमें अंतिम नियम है हो जाएगा, माना जाएगा जीएम सबको। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, उसमें कहा गया है रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट और पर्सन डिसमिस रिमूव आउटसाइडर कैन नॉट बी नॉमिनेटेड टू द एसपीओ कमेटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेलवे कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, इसके अलावा जो कर्मचारी रिमूव डिसमिस हो गए हैं या बाहरी व्यक्ति होते हैं उनको एसपीओ में कमेटी में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो ये तो लॉजिकली हम बता सकते हैं कि रिटायर्ड आदमी नहीं आएगा, वर्किंग एम्प्लॉय रहेगा इसमें, और रिमूव डिसमिस भी रेलवे एम्प्लॉय है नहीं, आउटसाइडर भी नहीं होगा। ये जो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है याद रहेगा वो सस्पेंशन का रहेगा, तो रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन शुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ एसबीएफ, हाउएवर देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू देयर सब्स्टिट्यूट
टेकिंग देयर प्लेस फॉर द पीरियड फॉर विच सिटिंग मेंबर रिमेन डिस्क्वालिफाइड। सस्पेंशन के ऊपर एक डाउट रहता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सस्पेंड जो कर्मचारी अंडर सस्पेंशन है क्या वो सीएसबीओ मीटिंग में भाग ले सकता है, तो यहाँ साफ मना कर दिया है कि कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में है तो वो सीएसबीएफ मीटिंग में भाग एसबीएफ की जो मीटिंग होगी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले में वो रिप्लेस किया जाता है, जितना टाइम वो सस्पेंड रहेगा उतना टाइम किसी और को नोमिनेट किया जा सकता है उसके बिहाफ पे यूनियन के द्वारा। एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ मेटेरिटी सेंटर ऑन द रेलवे, कई बार पूछा जाता है कि मेटेरिटी सेंटर में एसबीएफ से खर्चा दिया जाएगा, तो ये पहले किसी जमाने में जैसे कहा कि एसबीएफ की स्कीम 1931 से लागू हुई थी, तो 31 से लेके 55 तक जो मेटर्निटी सेंटर्स पे जो खर्चा एसबीओ से दिया जा रहा था जिसको अब हटा के अभी रेलवे रिन्यू से खर्चा दिया जाता है, एसबीओ से खर्चा नहीं जाता है। रेलवे सर्वेंट सर्विंग ऑन वेरियस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आरआरबी में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनको जो बेनिफिट मिलता है जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, तो वो उनके पेरेंट रेलवे जो भी उनका पेरेंट रेलवे जहां उनका लियन है वहां से दिया जाएगा, लेकिन सामूहिक रूप से जो बेनिफिट होते हैं जैसे हॉलीडे होम है या आपके स्पोर्ट्स रिक्रेशन फैसिलिटी है मनोरंजन स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो आपके जो भी जो आरआरबी जिसके जो जोनल रेलवे से जुड़ा हुआ है कनेक्टिव है उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसका है उससे फैसिलिटी ले सकता है ये कहा गया है। द कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ फॉर्म पोस्टल चार्जेस पोस्टेज चार्जेस एंड अदर कंटिजेंट एक्सपेंस रिलेटेड टू एसबीएफ इज टू मीट फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यू, तो एसबीएफ के कनेक्शन में जो भी स्टेशनरी प्रिंटिंग चार्जेस होंगे फॉर्म्स होंगे पोस्टल चार्जेस होंगे या बाकी जो एक्सपेंडिचर होंगे जो कि उसको रेलवे रेवेन्यू से खर्चा लिया जा सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग एसबीएफ मीटिंग शुड बी मीट फ्रॉम द फंड इटसेल्फ, मनोरंजन जो एसबीओ के मीटिंग के कनेक्शन में जो एंटरटेनमेंट के ऊपर जो खर्चा होगा वो एसबीओ से लिया जाएगा ये कहा गया है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव व्हेन अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द एसबीओ कमिटी विल बी इश्यूड पासेस ऑफ द स्केल टू विच दे आर एलिजिबल ऑन प्रीवियस, जो कमिटी में जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे एसबीओ मीटिंग में उनको जो पास दिया जाएगा वो उसी श्रेणी का होगा जो कि सुविधा श्रेणी का पास लेता हुआ मिलेगा। अकाउंट्स ऑफ द फंड, फंड का जो अकाउंटर होगा हम जरा बात कर लेते हैं, निधि का लेखांकन जो अकाउंट होगा उसमें कहा है कि महाप्रबंधक निधि के लेखांकन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे और इसका ऑडिट निर्धारित किए गए तरीके से किया जाएगा। द जनरल मैनेजर शैल मेक सच अरेंजमेंट एज मे बी नेसेसरी फॉर कीपिंग द अकाउंट फॉर द फंड एंड ऑडिट शैल बी कैरीड आउट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जो अकाउंट का जो हिसाब किताब होगा वो उसका देख रेख जीएम सर की निगरानी में होगा और अकाउंट उसका जो पूरा अकाउंट होगा उसको ऑडिट भी जो भी नियम है उसके हिसाब से किए जाएंगे। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ फंड, फंड का जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो जनरल मैनेजर द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा हर साल, जो भी पूरा साल में जो खर्चा हुआ उसका जो फाइनेंशियल में जो खर्चा हुआ उसका पूरा रिपोर्ट जो होगा वो जीएम द्वारा भेजा जाएगा। तो ये एसबीएफ के ऊपर मैंने कोशिश की कुछ बातें बताने के लिए। एक और उसमें क्लेरिफिकेशन था रेलवे बोर्ड का जो 2024 में निकला हुआ है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर्म हेड एक्टिविटी नंबर 8 अंडर स्टाफ बेनिफिट टू द रेलवे एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम सीरियस आइलमेंट लाइक कैंसर किडनी डैमेज, इसमें कहा गया है एक यूनियन ने आइटम लिया एनएफआईआर ने पीएनएम आइटम 44/2018 जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है साल में 2 बार दिया जाना चाहिए, कुछ सीरियस एलिमेंट है जैसे आपकी कैंसर किडनी डैमेज एचआईवी एड्स में ऐसे मामले रेलवे एम्प्लॉय को 2 बार जो है बेनिफिट मिलना चाहिए फाइनेंशियल मिलना चाहिए, ये मांग की थी पीएनएम में रेलवे बोर्ड से। तो रेलवे बोर्ड ने कहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट नो इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड बाय द बोर्ड ऑफिस टू द इफेक्ट दैट इन द केस ऑफ सीरियस एलिमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी ग्रांटेड ओनली वंस, इन्होंने कहा कि हमने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको 1 बार ही देनी, तो जोनल रेलवे में जो भी कमिटी है उनको अगर लगता है कि एक से अधिक बार दिया जाता है मामला अगर डिजर्विंग है जेन्यून है और फंड है आपके पास तो आप जीएम के अप्रूवल के साथ आप दे सकते हैं 1 बार से अधिक भी दे सकते हैं, ये सरकार ने ये रेलवे बोर्ड में क्लियरिफाई किया है। तो ये एक और बताना था, ये इसी के साथ में आज मेरे एसबीएफ का ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिप्रोपेशन के ऊपर भी ये चैप्टर 8 के ऊपर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर भी अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगा इस पर अगर ऑब्जेक्टिव कुछ मिलता है तो उस पर भी वो भी बना दूं आपसे अगर टाइम रहा तो वीडियो देखने के धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।